दबाग ले जाना, अंधेरी कब्र में जाना जरूर है तुझको, तू अपने साथ ये रोशन चराग ले जाना। बा मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يضر ما خلقه القائلون، ولا يحصي نعم أولادهم، ولا يعدي حق المجتهدون، الذي ليس على صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي بن القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا صلوات سورہ مبارکہ مریم کی آیت کریمہ اور ہم نے قرار دیا ہے ان کے لیے ایک اعلیٰ درجے کی سچی زبان پروردگار عالم نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں اس دروازے سے وابستہ کیا اس میں ماں باپ کی تربیت بھی ہے اس میں کچھ ماحول کا اثر بھی ہے اس میں کچھ اساتذہ کی محنت بھی ہے اور اس میں سب سے بڑی شے توفیق پروردگار بھی ہے عزیزان گرامی تمام چیزیں جب ملتی ہیں تو ایک تربیت یافتہ انسان سامنے آتا ہے پروردگار نے اس دروازے سے اس گھر سے وابستہ کر کے ہمارے لیے ایک ایسا باب ہدایت روشن کیا ہے کہ جو دنیا اور آخرت کی سربلندی فوز و فلاح و دستداری اور ہمیشہ انسان کو سربلند رہنے کا ایک موقع عطا کرتا ہے یوں تو یہ عزاداری یہ مجلس یہ محترم یہ ماہ محرم اور سفر ہمارے ذریعے ہر ذی شعور کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہم اگر اس مجلس میں اس عزاداری میں آب و تاب اور زید و زین کے ساتھ اہتمام کے ساتھ شرکت کریں گے تو یہ جازب ہو جائے گی اور جب یہ عزاداری جازب ہو جائے گی تو پھر وہ لوگ جو دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں وہ قریب آئیں گے اور جب قریب آ جائیں گے تو یہ ناممکن ہے کہ محاسن کلام اہل بیت کو سنیں اور اہل بیت کی اتباع نہ کریں اس لیے کہ امام رضا اثر بات پڑھیں گے بابا نے امام رضا فرماتے ہیں کہ تم ہمارے کلام کے محاسن کو بیان کرو یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہمارے محاسن کو خوبیوں کو کمالات کو فضائل کو مناقب کو
अल्लाह ने जो हम पर अपनी रहमतें नाजिल की हैं, अपने इनामात नाजिल किए हैं, अल्लाह ने जो हमें कमाल अता किया है, कोई हमारे कमाल को सुने और हमारी इत्तबा ना करे। इधर हकीकत जरिया है ये मजलिस अज़ा, एक मुकम्मल तालीमी निज़ाम है जिसमें अव्वल से आखिर तक हिदायत बशर का सम्मान है। आपके पेश नज़र है रोजाना आने वाले मोमिन जानते हैं कि उन्वान गुफ्तगू में हमने नहजुल बलागा के इस अजीम इल्मी सकाफती सियासी समाजी मईशती सरमाए को समझने का इरादा किया है। अगरचे जैसे जैसे इस पर गौर किया जाता है इस बात का एहसास होता है कि जखीरा बहुत वसी है, समंदर बड़ा गहरा है और हमारे बस की बात नहीं है कि हम इन 10 मजलिसों में या कई 10 मजलिसों में इसके ऊपर मुकम्मल गुफ्तगू कर सकें। एक सरसरी सा जायजा, एक कायराना निगाह, एक गुजरते हुए दीद, एक पहले से बेहतरीन इस नीयत के साथ और इस अंदाज के साथ इस पर गौर करें। अज़ीज़ा निगरानी, देखना यह है कि अदब बराए अदब होना चाहिए या अदब बराए जिंदगी होना चाहिए। मेरे मौला अली ने इस किताब के जरिए, या यूं कहूं कि इस इल्मी ज़खीरे के जरिए जो दीद बदली है साहिबान अदब की, वो ये कि अदब को बराए अदब नहीं होना चाहिए, वरना पलकों का तस्करा होगा, जुल्फों की बातें होंगी, खुशबुओं का तस्करा होगा, पाजेबों का तस्करा होगा, बालों की बातें होंगी, सारी दुनिया की रानाइयां और रंगीनियों का तस्करा होगा, पर इंसानियत की कोई बात नहीं। मौला अली ने अदब के रुख को ऐसे कर दिया जैसे अल्लाह चाहता था। एक रूह भेजेंगे मोहम्मद वाले पास, अली नबी तालिब के शाहकार से पहले अदीब कम नहीं थे अरब दुनिया में। मौलकात सबा सबा मौलकात को तारीख जानने वाले जानते हैं कि वो शाहकार थे अदबी हवाले से। लबीद इब्ने रबिया जैसे शौरा और उनके अंदर इब्ने अदी इब्ने रुका जैसे शौरा और ऐसे अफराद थे जिन्होंने अदबी दुनिया में कारनामे किए थे, कारहाए नुमाया किए थे। एक एक मिसरे पर आज इतनी मुद्दत गुजरने के बाद भी जब अरब अदीब बैठता है गौर करता है तो कहता है कि इससे अच्छा जुमला तक नहीं कहा गया। पर उसमें क्या था, उसमें उन्होंने दिया क्या था, उसमें उन्होंने अपना हदफ जिंदगी एक खातून को बनाया, उन्होंने उसमें अपने हदफ जिंदगी मतमय नजर मौरिद निगाह अगर किसी को करार दिया तो एक बाजार में चलने वाली औरत को बना दिया। सारी मेहनत इस पर हो रही है कि उसकी जुल्फे कैसी हैं, उसकी काजल कैसे हैं, लेकिन अली नबी तालिब ने बताया कि ये फन है, ये अल्लाह की कथा है, इसे जाया कर देते हो तुम। इसके जरिए से बताओ कि माशरे की इसलाह किस तरह हो सकती है। साहिबान कलम और साहिबान अदब के लिए मेरे मौला ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया कि अदब को बराए अदब नहीं होना चाहिए, अदब को बराए जिंदगी होना चाहिए। अगर अदब तुम्हारी जिंदगियों में तहव्वुल नहीं ला रहा, इंकलाब नहीं ला रहा, तुम्हारी जिंदगियों में अदब कोई फर्क नहीं डाल रहा, तो वो वक्त का इसराफ है, वो तालीम और तरबियत नहीं है, वो हासिल जिंदगी नहीं है। साहिबान अदब के लिए एक नहजुल बलागा ऐसा महनुमा ज़खीरा है कि उसे देखते जाए और समाज के मसाइल की गुत्थियों को सुलझाते चले जाए। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर दुश्मन ये समझ रहा था कि हमने अली को जबल में सिफीन में नहरवान में उलझा दिया, अगर सिफीन ना होती तो कितने ही खुतबे हैं जो ना होते, अगर जबल का मारेटा ना होता तो कितने ही खत और खुतबे हैं जो अमीर मोमिनीन के हम तक नहीं पहुंचते। ये तो अली का कमाल है कि जमाने का माहौल का रोना नहीं रोते बल्कि माहौल को रुला देते। इमाम वो होता है जो जमाने का पाबंद ना हो बल्कि जमाना इमाम का पाबंद हो। इसी वजह से हम इमाम जमाना कहते हैं। इमाम जमाना का मतलब यह है कि जमाना इनके पीछे चलेगा, ये जमाने के पीछे नहीं चलेगा। और जिस इमाम जमाना के मानने वाले इस नियत से जमाने को देखते हो, वो कैसे मुमकिन है कि मानते तो इमाम जमाना को और खुद जमाने के पाबंद रहे। अज़ीज़ा ने गिरामी, जमाना बदलना हमारे हाथ में है, इसलिए कि हम जैसे ही लोगों ने बदला है
ना फरिश्तों ने आकर, ना जिनों ने आकर इसे बदला है, और ना ही वो आकर इसको बेहतर करेंगे। इसकी खराबियां भी हम ही जैसे लोगों के जरिए, और इसकी खूबियां और इसके कमालात भी हम ही लोगों के जरिए होंगे। और बताना चाहते हैं मेरे मौला इस अदबी शाहकार के जरिए कि जरा तवज्जो करो, मन मन पसंद अवतार को माशरे में फैलाना ये अदब से खयानत है, बल्कि अवतार वो हो जो कुरानी हो, अवतार वो हो जो अंबिया के, अवतार वो हो जो आसमानी है। उन अवतार अखलाकी को और इस्लामी को जब अदब के पैराए और सांचे में ढाल दिया जाए तो नहजुल बलागा बन के सामने आ जाता है। और अजीजाने ग्रामी शौराए किराम, साहिबाने कलम, साहिबाने किताबत, ये अफराद अगर इस बीच से अदब को अपने हाथ में रखेंगे तो माशरा बेहतरी की तरफ जाएगा। ये इल्मी और अदबी सरमाया है। एक है ऐसा इल्मी ज़खीरा कि जिसमें अमीर मोमिनीन ने उसूल अदा किए। मैं कह चुका एक मजलिस में कि जो मौजूआत इस नहजुल बलागा के अंदर हैं, उन मौजूआत को अगर पेश नजर रखा जाए तो बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना अजीम सरमाया है। मैं आज जो आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहता हूं वो ये कि इल्म खुद किसे कहते हैं? हर चीज की तारीफ है, हर चीज के बारे में उसकी शरह है। इल्म किसे कहते हैं? ऐन लाम मीम ये तीन हर्फी लफ्ज जब अपनी शरह पाने लगता है तो अजीजाने ग्रामी खारिज में तब तो चाहूंगा अपने सुनने वालों से बार चीजें थोड़ा सा ज्यादा एहतमाम से जब पढ़ी जाती हैं तो ज्यादा एहतमाम से सुनी भी जानी चाहिए। इल्म खारिज में मौजूद अशिया का जुज़्वे ज़हन करार पा जाना इसे बोला जाता है। पहाड़, जमीन, पत्थर, पौधे, हैवान, सूरज, चांद, सितारे, ये पूरी दुनिया के अंदर जो चीजें पराकंदा हैं, ये जब तक बाहर रहती हैं पहाड़ पहाड़ रहता है, जमीन जमीन रहती है, सूरज सूरज है, चांद चांद है, सितारे सितारे हैं, हैवान हैवान है, फूल फूल है, लेकिन जैसे ही ये जुज़्वे ज़हन बन जाते हैं तो ये अब पहाड़ नहीं रहते बल्कि इल्म कहलाता है। इसलिए कि अगर ये ज़हन में आने के बाद भी पहाड़ हो तो फिर जितनी बड़ी जगह बाहर चाहिए इतनी ही बड़ी जगह अंदर भी चाहिए। ये पहाड़ नहीं है बंदा, अब ये इल्म है पहाड़, ये इल्म है जमीन है, ये अब इल्म हो गया, मगर ये अंदर कैसे आता है? ये जो बाहर चीजें दिखाई दे रही हैं, ये जुज़्वे ज़हन कैसे बनते हैं? ये जुज़्वे ज़हन बनते हैं हवासे संस्था के जरिए। शामा, जायका, लामेसा, बासरा, सामया, ये पांच चीजें हैं जिनके जरिए से अशियाए खारजी हवासे खमसा के जरिए जुज़्वे ज़हन बन जाए तो इसे इल्म कहा जाता है। अब इल्म की तारीफ क्या हुई? इल्म की तारीफ ये हुई कि अशियाए खारजी का हवासे खमसा के जरिए जुज़्वे ज़हन बनना इसे इल्म कहा जाता है। अब बहुत मुद्दत से आप और हम बहुत सारी चीजों का मुताला कर रहे हैं, फला चीज देख रहे हैं तो जुज़्वे ज़हन बन रहा है, हाथ लगा लिया, टटोल लिया, देख लिया तो लम्स करने के जरिए जुज़्वे ज़हन बन गया, सूंघ लिया मालूम हुआ के साथ फूल है, कौन सा अत्र है, कौन सी खुशबू है, जायका चख लिया मालूम हुआ कि कौन सा, अब मैं हलवे की मिसाल तो दूंगा नहीं इसलिए कि बदनाम हो गया है, दुरूद भेजेंगे मोहम्मद वाले वहां। ये तमाम चीजें जब हवा से खमसा के जरिए जुज़्वे ज़हन बन जाती हैं तो इन्हें इल्म कहा जाता है। अब ये पहाड़ अशियाए खारजी हैं, ज़हन में इल्म है।
और इन दोनों को, इन सब चीजों को जहन में मुंतकिल करने के लिए ये पांच चीजें करार दी। आपकी समाप्त मेरे साथ है, हवा से खमसा है ना, हवा से अरबा ना हवा से सित्ता। बताना चाहा है कि हमेशा पांच ही के महवर पर रहना चाहिए। पांच चीजों के जरिए अशिया खारजी जब जुज में जहन बन जाए जी तो उसे इल्म कहा जाता है। अब ये चीजें अंदर आने के लिए तो हवा से खमसा का जरिया, जब ये अंदर का इल्म, ये अंदर की मालूमात बाहर मुनाकिस करना मतलूब हो, जब ये अंदर की मालूमात बाहर मुनाकिस करना मतलूब हो तो फिर क्या किया जाए? अंदर आने के लिए तो हवा से खमसा हो गया, बाहर जाने के लिए क्या चीज चाहिए? बाहर जाने के लिए हमने देखा कि कलम जरिया बना कि जो अंदर मालूमात है उसे बाहर मुंतकिल कर दिया जाए। तकरीर हमने देखा कि जरिया बना कि अंदर की मालूमात को बाहर मुंतकिल कर दिया जाए। तस्वीर कशी, नक्काशी, मुसव्विरी, फन, हिरफत, ये जरिए बने कि अंदर की मालूमात को बाहर मुनक्किस कर दिया जाए। अजीज आले गिरामी, जिसके पास हवा से खमसा का जखीरा के जरिए इल्म का जखीरा हो, वो जब जखीरा जमा कर लेता है, बड़ा बना लेता है, तो फिर अरस्तु कहलाता है, सुकरात कहलाता है, मुल्ला हादी सब्जवारी कहलाते हैं, मुल्ला सदरा कहलाते हैं, और अपने जमाने के मारकतुल आरा उलमा और नाबगाए रोजगार कहलाते हैं। लेकिन ये जितने भी नाबगाए रोजगार हैं, जितने भी साहिबान इल्म हैं, ये पाबंद हैं हवा से खमसा के। और हवा से खमसा हाल का मोहताज होता है, माजी और मुस्तकबिल की बातों को नहीं दिखाता। समझे? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नंतर सलावा। जो चीजें मेरे सामने आएंगी वही तो मेरे जुज्व इल्म बनेगी ना, जुज्व ज़हन बनेगी। जो मेरी इन चार पांच चीजों के सद में आएंगी उन्हीं को मैं अपने ज़हन का हिस्सा बनाऊंगा। लेकिन जो माजी में गुजर गई उन्हें मुझे क्या मालूम कि वो क्या थी। बहुत सारी चीजें तो म्यूजियमों का और अजायब घरों का हिस्सा हो गई, बहुत सारी चीजें तो तारीख से महव कर दी गई और एक साजिश के मुताबिक किया भी जा रहा है कि हम तारीख के आसार को मिटा दिया जाए, ताकि अगर माजी की भी चीज है तो वो इंसान के इल्म का हिस्सा ना हो। जी सऊदी अरब में क्या हुआ जी? और मुस्तकबिल के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं मालूम, माजी का तो फिर भी थोड़ा बहुत शायद कुछ ना कुछ जैसे तैसे बिगड़ा टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी होगा कुछ ना कुछ पहुंच जाता है, लेकिन मुस्तकबिल के बारे में तो हमें नहीं मालूम। लिहाजा जो हवा से खमसा के जरिए अशिया खारजी को जुज्व ज़हन बनाते हैं, वो इतने बड़े आलिम हो जाते हैं कि फिर किताबें लिखने लगते हैं, फिर इदारे बनाने लगते हैं, फिर नजरिए कायम करने लगते हैं, फिर अपने बारे में राय देने लगते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये सारे के सारे ये जरूर एहसास करते हैं कि ये मोहताज है इन हवा से खमसा के। ये कान भारी हो जाए तो सुनने के लिए कोई चीज नहीं मिलेगी तो इल्म कैसे बनेगी? अगर ये मुंह का जायका कड़वा मीठा ना समझने लगे तो कैसे ये जरिया बनेगा कि हमारी मालूमात बढ़े? ये देखने के लिए बिनाई अगर खत्म हो जाए तो कैसे हमारी मालूमात बढ़ेगी? अजीज आले गिरामी, हम तो मोहताज हैं और हम वो हैं, यानी जो भी बड़े बड़े उलमा भी अगर हैं और साहिबान दानिश हैं, साहिबान फहम हैं, वो सब इनके जरिए से आलिम बन रहे हैं। लेकिन कुर्बान चाहिए उन हस्तियों पर जो ना मुस्तकबिल के इल्म से ला ताल्लुक है, ना माजी की मालूमात से ना आशना है। उनके सामने पूरी कायनात ऐसी है जैसे हाथ की हथेली है। वो कोई और है जो ला तालमूना शया दुनिया में आते हैं, ये वो है जो वहां से पढ़कर दुनिया में बनता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, अब इल्म की ये कैफियत महसूस करें। ये जो हवा से खमसा के जरिए तवज्जो है ना आपकी, मिसाल आलिम हुए, मालूमात जमा की, जखीरा इल्मी को मुनज्जम किया, ये जो अफराद हैं ये फिर अपना इल्म मुनक्किस करते हैं कलम और तकरीर और तहरीर के जरिए। मगर आपने देखा कि जो वहां से पढ़कर आते हैं, शायद मेरी बात को एक मंजिल और मिलनी चाहिए, बात थोड़ी सी वाज़ेह। अमीर मोमिनीन से जब सवाल किया जाता था, हजरत ऐसे जवाब देते थे जैसे पहले से मालूम था कि ये क्या पूछेगा। हम अपने और
पूछने वाला जब कहता था या अली, ऐसा लगता है जैसे आपके लबों पर जबर रखा था। हजरत फरमाते हैं कि हम तो ये भी जानते हैं, एक शख्स आया था 70 सवाल जोड़कर इमाम शीशों की खिदमत में, जी चंद सवाल करने के बाद ये भूल गया कि आप क्या सोच कर आए। हजरत फरमाए हम बताएंगे इसके बाद क्या सोचा था, इसके बाद क्या सोच कर आए थे, हम तुम्हें बताए। तो जो सवाल आपको जानता उसके जवाब को कितना जानता, जो जहनों को पढ़ ले उसके इल्म का क्या अंदाजा किया जाए। अब ऐसी कैफियत में अली नबी तालिब जब जवाब देने पर आते हैं तो अली नबी तालिब के दहने मुबारक से वो मोती टपकते हैं कि वो कयामत तक के लिए, आज तक हजारों साल गुजरने के बाद, सैकड़ों बरस गुजरने के बाद आज भी ताजा दिखाई देते हैं। तो किसी ने कह दिया या अली आपका इल्म पैगंबर के इल्म के बराबर है। अब देखिए अदब है अली नबी तालिब, एक मरतबा चेहरे पर बल आ गया, पेशानी पर शिकन आने लगी, फरमान लगे हादा लुआब नबी, मेरा इल्म लुआब पैगंबर है। मैं तो पैगंबर के साथ ऐसे रहता था जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। पैगंबर के साथ इतना ज्यादा रहता था कि अब तक मुझे उनकी गोद की गर्मी महसूस होती। पैगंबर के साथ रहता था, मैंने तो नबूवत की खुशबू सूंघी है, मैंने तो फरिश्तों के नाजुल होने की कैफियत देखी है, मुझे मालूम है कि जिब्राइल कैसे पैगंबर के दिल पे नज़ुल बलाना के जुमले हैं सारे। ये जुमले हज़रत के सारे नज़ुल बलाना के हैं, ज़ोरे बयानी में नहीं कह रहा, जोश अकीदत में नहीं कह रहा, अमीर मोमिनीन खुद अपना तारुफ कर रहे हैं मैं कौन हूँ, खुद पाए खास से आके अंदर एक सलवार भेजेंगे मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ अलीगरामी अमीर मोमिनीन अब जब हवा से खमसा के जरिए जो आलिम होते हैं, जो अशिया खारजी को मोहताजी के साथ जरियों के साथ अपने जहन का जुद बनाते हैं, तो फिर वो कारनामे दिखाने लगते हैं, किताबें लिखने लगते हैं। लेकिन कभी गौर फरमाया आपने, जो आदम अल्लाह के यहाँ से पढ़कर आए थे। अच्छा मुश्किल यह है कि हजरत अली के बारे में अगर हम कहें कि वो अल्लाह के यहाँ से पढ़कर आए तो हलफ से बोली नहीं उतरती, और हजरत आदम के लिए कहते हैं कि वो अल्लाह के यहाँ से पढ़कर आए, फरिश्तों को सजदा किस बात पर करवाया था, तो बात समझ में आ जाती जी। हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत यहिया, हजरत मूसा, ये सब कहां से पढ़कर आए, कुरान कह रहा है वह अल्लम ना हो वह आते ना हो, कुरान मजीद ने बारहा के लिए कहा है अल्लाह ने दिया है, हमने दिया है, हमने वहां से पढ़ा कर भेजा है। तो एक मरतबा फौरन मान लेते, लेकिन जो अली बिन अबी तालिब कह रहे हैं कि जब जो नबी कह रहे हैं कि जब सारे नबियों की सिफात को एक जगह किया जाए तो अली बनता है। तो यहां ये तमाम हस्तियां हजरत आदम जो वहां से पढ़कर आए, हजरत इब्राहिम जो वहां से पढ़कर आए, किसी के पास मालूम है, मालूमात है कि उन्होंने कोई किताब लिखी हो? हजरत आदम की कोई किताब है? हजरत इब्राहिम ने कोई किताब लिखी है? हजरत मूसा ने कोई किताब लिखी है? अजीजाने गिरामी बस जुमले की तुमको महसूस करेंगे, हम और आप जो हवासे खमसा के जरिए अशियाए खारजी को जुज़्वे ज़हन बनाते हैं, हम अपने इल्म को मुनक़िस करने के लिए कलम के मोहताज होते हैं और कागज के मोहताज होते हैं। कागज होगा तो इल्म मुनक़िस होगा, लेकिन आदम से लेकर खातम और खातम से लेकर इमाम वक्त तक ये लोग कागजों पर इल्म मुंतकिल नहीं करते, नफ्सों पर इल्म मुंतकिल करते हैं। अली की तालीफ का नाम नहजुल बलागा नहीं है, नहजुल बलागा मेरे मौला अली की तालीफ नहीं है। जुमला आपकी समाजों के हवाले कर, नहजुल बलागा कशकोले सैयद रजी है, जरफ इल्म अली नहीं है, सब कुछ यही नहीं है अली का। ये तो सैयद रजी ने जो कशकोल लेकर मौला के दरवाजे में खड़े हो गए, जो इसमें मिल गया हमें, उन्होंने नहजुल बलागा नाम रख दिया। ये सब कुछ नहीं, एक रूप है और बाबा का। अली इब्न अबी तालिब किताब नहीं लिखेंगे, अली इब्न अबी तालिब किताब नहीं लिखेंगे, बल्कि मौला अली की तालीफ है वो किताबी शक्ल में नहीं है, वो मालिक अश्तर की शक्ल में है। नबी की तालीफ को अबू जर कहते हैं, अली की तालीफ को मालिक अश्तर कहते हैं, फातिमा जहरा की तालीम को फिजा कहते हैं। एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले,
ये इंसान बनाते हैं, ये शख्सियत बनाते हैं। और जब शख्सियत बनाने की गरज हो तो फिर ये नहीं देखा जाता कि हमारे सामने कौन बैठा है, बल्कि वो ऐसे उसूल दे जाते हैं कि आज 1400 बरस गुजरने के बाद भी अली के शागिर्द मिल सकते हैं। जो अली को पढ़ना चाहे वो अली का शागिर्द हो सकता है, और उस तालीम को, उस इल्म को अपने वजूद का हिस्सा है। अजीजाने गिरामी, अमीर मोमिनीन ने जो इस नहजुल बलागा में मेहता किया है वो है शख्सियत साजी, वो है इंसान साजी, वो इंसान को बनाना अली का कारनामा है। और यहां आप महसूस करें कि मेरे मौला ने जब खुद शख्सियत देना शुरू किया, ये जुमला आपकी समातों के हवाले करूं और तज्जिया है ये उलमाए अहले सुन्नत का, उलमाए अहले सुन्नत ने तय किया है, जो पक्के एक बात तय की है, और वो ये तय की है कि असहाबे पैगंबर में सबसे ज्यादा दो लोग आलिम थे, किताबों में लोगों के हमारे भाइयों के, कि दो लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे असहाबे पैगंबर, एक हजरत उमर और एक हजरत इब्न अब्बास। दो लोगों के बारे में उलमा अहले सुन्नत का ये कौल है, ये नजरिया है कि दो लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, हजरत उमर पढ़े लिखे थे सबसे ज्यादा जानने वाले थे। मैं नहीं कह रहा, मैं अगर जरूरत पड़ी तो आपको वो किताबों के हवाले दे दिए जाएंगे, किसी बात को मंजिल देने के लिए मैं ये तमीज नहीं मान रहा, हकीकत अर्ज कर रहा हूँ कि महानजरिया है, कहते हैं कि सबसे ज्यादा। और फिर फजाइल का बयान किया जाता है कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये फैसला किया, उन्होंने फैसला उसी बुनियाद पर, तो कहते हैं कि उन्हें हक था कि फला चीज नबी के जमाने में थी, मैं उसे हराम कर रहा हूं। बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। मैं सिर्फ तजिया कर रहा हूं, मैं एक तारीखी हकीकत है और एक मुसलमा नजरिया है हमारे भाइयों का, लिहाजा इसी बुनियाद पर कहते उन्हें हक था, पढ़े लिखे थे, ज्यादा जानने वाले थे, बाफहम थे, आलिम थे, दो लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे पैगंबर के असहाब में। अच्छा, यहां एक और जुमला आपको कहता जाऊं कि नंबरिंग, गिनती, दर्जा बंदियां वहां होती हैं कि जहां दर्जे बंदी के अफराद हों। अमीर मोमिनीन को पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर नहीं लाएंगे, जो पैदा ही मोमिन हो रहा हो, जिसका कलमा पढ़ना ही ईमान का हिस्सा करार पा जाए, उसे नंबरिंग में नहीं लाया जाएगा। और अल्लामा नक्तन साहब का एक जुमला मेरे जहन में आ रहा है, जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं, नक्तन साहब लाहौर में बहुत आते रहे, उनका एक जुमला मुझे नजर आ रहा है, याद आ रहा है कि वो फरमाने लगे कि जिस तरह क्लास में इम्तहान के बाद तालिब इल्म वो नोटिस बोर्ड पर जाके फहरिस्त देखते हैं कि हमारा नाम भी आया या नहीं आया, नाम आ गया तो बस मुझे तसल्ली हो गई कि पास हो गए, नाम वहां लिखा हुआ है, नाम देखने के बाद अब बाद में देखेंगे कि ग्रेड कौन सा है, और बाद में देखेंगे कि नंबर कितने का, पास हो गए, लिस्ट में नाम आ गया। अब सलमान 9वें दर्जे पर फायज, अबू दर 8वें दर्जे पर फायज, आपने गौर फरमाया कि सलमान 9वें दर्जे पर फायज है, सलमान का मौला कौन से दर्जे पर फायज है, तो सलमान जो 9वें दर्जे पर फाइज होंगे तो भी क्या कहलाएंगे, मोमिन कहलाएंगे, सलमान का मौला उस दर्जों में नहीं आएगा, वो अमीर मोमिनीन है। और जिनका नाम ही नहीं है फहरिस्त में, तवज्जो नहीं किया, नक्कल ना फरमाते हैं, जिनका नाम ही फहरिस्त में नहीं है पैगंबर की क्लास में बैठने वाले, सलमान के बराबर कौन है, अबू जर के बराबर कौन है, जमीन ने अबू जर जैसा सच्चा नहीं देखा, आसमान ने अबू जर जैसा सच्चा नहीं देखा सलमान फारसी। मैं यहां पर एक जुमला और कहता हुआ जाऊं, एक गिला करूं अपने भाइयों से कि आप असहाबे पैगंबर को मानते हैं या असहाबे हुकूमत को मानते हैं, कि आप असहाबे पैगंबर में सबसे ऊंचा नाम सलमान का है, बताइए कितने तस्करे हैं सलमान के आपके यहां, हमें तो लगता है कि जो भी मुल्क हासिल कर गया, जो भी हुकूमत हासिल कर गया, आप उसे सहाबी समझते हैं, जबकि हम जो नजरिया रखते हैं, हम हुकूमतों की वजह से किसी का एहतराम नहीं करते, हम अजमतों की वजह से एहतराम किया करते हैं। एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो ये नजरिया है, तो ये नजरिया है कि हजरत उमर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे और हजरत इब्ने अब्बास। अब ये दो हस्तियां हैं जो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, और जो सबसे ज्यादा मुसलमानों की निगाह में पढ़ी लिखी है, एक बढ़ के कहता है लौला अली
لحلق عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گئے. اور فرماتے ہیں اللہ دعا کر رہے ہیں، مناجات پڑھتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ کوئی ایسا مسئلہ میری زندگی میں نہ لائیو جسے حل کرنے کے لیے میرے ساتھ علی نہ ہو. یہ تو حضرت عمر کو جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے. اور دوسرے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں علی کے علم کے مقابل ایسے تھا جیسے ایک سمندر ناپیدا کنار کے ساتھ ایک خطرہ رکھا ہوا. اب یہ ابن عباس، میں نے تمیز اس بات کے لیے باندھی، ابن عباس بیٹھے ہیں حضرت کی محفل میں، نہج البلاغہ کے محور سے نہیں ہٹاؤں، ابن عباس بیٹھے ہیں میرے مولا کی محفل میں کہ کسی نے کہا مولا یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو حضرت نے ایک مرتبہ خطبہ دینا شروع فرمایا جس کا نام خطبہ شق شقیہ. اونٹ کے گلے میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، جب وہ مسترب ہوتا ہے تو وہ لوتھڑا اوپر آ کر گلے میں اٹک جاتا ہے، سینے سے آ کر گلے میں اٹک جاتا ہے، اور اس کیفیت کو شق شقیہ کہتے ہیں. امیر المومنین نے کہ اس خطبے کا نام، اچھا یہ بھی میں کہتا ہوا جاؤں فہم نہج البلاغہ کے عنوان سے، کہ جس طرح قرآن مجید کے سوروں کا نام سورے میں موجود ایک خاص پیغام کی وجہ سے ہوا، سورہ حجرات کیونکہ حجرات کا لفظ آیا ہے، حجرات کا تذکرہ ہے، سورے کا نام سورہ حجرات، سورہ بقرہ کیونکہ گائے کا تذکرہ ہے اس سورے کے اندر، بنی اسرائیل کی اس کو گائے بقرہ سورہ بقرہ نام دے دیا، سورہ مریم حضرت مریم کا تذکرہ ہے. لہذا سوروں کے نام اس میں موجود پیغام کی مناسبت سے دیا گیا. اسی طرح نہج البلاغہ کے خطبات کے نام بھی کچھ تو خود مولا نے دیے ہیں، کچھ خطبوں کے نام مولا نے دیے ہیں، جیسے خطبہ شق شقیہ کو مولا نے کہا، مگر یہ نہیں کہا کہ اس کا نام میرے اس موضوع خطاب کا نام، جیسے ہم خطاب کر رہے ہیں مقررین خطاب کر رہے ہیں کہ آپ کس موضوع پہ خطاب کریں گے، پہلے سے موضوع دے دیا، نہیں، ہم نے خطاب مولا نے خطاب کر لیا. اس کے بعد فرمایا ہے ابن عباس یہ شق شقیہ تھا، یہ اٹکی بھی اٹکا ہوا ایک گوشت کا لوتھڑا تھا جو میں نے اگل دیا. حضرت فرماتے ہیں اس خطبے کے اندر جو ابن عباس اور حضرت کے اصحاب وہاں تشریف فرمائے، اور یہاں ایک اور جملہ کہتا جو ہے عزیزان گرامی، ہمارے یہاں مجلسوں کا ایک خاص انداز ہے اور ایک خاص اس کا معیار ہے. مثلا آپ کو مجھ سے کوئی سوال ہے میری گفتگو میں تو اس کا کچھ ادب ہے نا، کبھی تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہاں سے مثال کے طور پر کوئی کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا، تو جیسا انداز اپنایا جا رہا ہے ایسا ہی ادب بھی ہونا چاہیے. سب دیکھ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، تو الفاظ بھی اچھے ہونے چاہیے، بولنے کا طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے، خامخواہ مذاق نہ بنے، لوگوں کے سامنے ہمارے ماحول کا جو ہے وہ ایک غلط تاثر نہ جائے. اور یہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ، یعنی مطلقہ نرس کر رہا ہوں، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، سارے جہان کی بات کر رہا ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خط دے دیا جاتا ہے، اس میں بھی زبان کا استعمال اچھا ہونا چاہیے، اور خطیب کو بھی اس کو پڑھنے کے بعد اپنے موضوع میں اس انداز سے ڈھالنا چاہیے. میں علامہ ذیشان احمد جوادی، علامہ نقطن، علامہ عسکری، ان بزرگوں کی جب خطابتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ سوالات کے جوابات غیر محسوس انداز میں دیتے تھے، یعنی جب جواب دے رہے ہوتے تھے تو جواب جس نے سوال کیا ہے وہ جواب لے لیتا، ہم ہاں ٹینشن ڈالنی ہے کہ صاحب وہاں سے کھڑے ہو کے سوال کیا گیا، یہاں سے پرچہ پکڑا دیا گیا، یہاں سے نہیں، سوال کرنے کا بھی ادب ہے اور سوال کرنے والے کو سوال کرنے کا طریقہ بھی اپنانا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے، توجہ چاہوں گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھنا چاہیے کہ موضوع کیا ہے. اب موضوع تو ہمارا نہج البلاغہ ہے اور ہم سے سوال کر لیا جائے کہ رویت ہلال کا جواب دیجئے کیا مسئلہ ہے، ارے بھائی رویت ہلال سے نہج البلاغہ کے ادبی شاہکار کے کیا منافتہ ہے؟ بس موضوع ہے مثال کے طور پر اسلام میں، مثال کے طور پر معیشت کا نظام، اور سوال کیا جائے فرض کریں کہ انڈے دینے والے جانور اور بچے دینے والے جانور کون سے، بھائی اس سے کیا ربط ہے نظام معیشت سے، نظام اقتصاد سے، نظام سیاست سے؟ بہرحال دیکھنا چاہیے کہ جو موضوع ہے اس کے مطابق بات ہو. اچھا ہر تمنا بھی پوری نہیں ہو سکتی. اب اس پورے مجمع میں ممکن ہے میرے بہت سے بزرگ، بہت سے احباب ہوں جن کی تمنا ہو کہ اس اشرے میں فلاں بات بھی ہونی چاہیے، مگر بھائی نہیں ہو سکتی ہر تمنا پوری، اس کا ایک معیار ہے.
इस खुतबा शख्सिया में जो एक इबरत मिलती है वो ये मिलती है जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर बेमहल बात कर दी जाए, गलत वक्त पर बात कर दी जाए, तो एक इल्मी समंदर जो बहता है वो एक इल्मी जखीरा जो अता होना था वो रुक जाता है। मेरे मौला खुतबा शख्सिया दे रहे हैं और अभी क्या कहना था अली तो वली जानते हैं, लेकिन मेरे मौला कहते कहते एक मंजिल पर पहुंचे, एक साथ खड़े हुए, हजरत के हाथ में पर्चा पकड़ा दिया। एक इराक का इराकी एक वहां पर अरब बैठा था, उसने हजरत के हाथ में पर्चा पकड़ा दिया। हजरत ने उसे देखा और हजरत ने उसे पढ़ने के बाद कहा कि ठीक है और कोई बात? इब्न अब्बास चीखे वहां से, मौला अभी तो उरूज मिल रहा था आपके कमाल कलाम को, अभी तो बात शुरू हुई थी। हजरत ने फरमाया नहीं, इब्न अब्बास रहने दो, ये एक शिक्षिका था जो निकाल दिया मैंने। अब आप इसी खुतबे को जरा महसूस करें कितना बड़ा नुकसान हुआ। और इब्न अब्बास सारी जिंदगी इस खुतबे को याद करके कहते रहे कि जिंदगी भर किसी चीज पर मुझे इतना अफसोस नहीं हुआ जितना उस खुतबे के नातमाम होने पर अफसोस हुआ। मगर एक आदमी की नाफहमी की वजह से, एक आदमी की जल्दबाजी की वजह से, बेमहली की वजह से, मेरे मौला का एक इल्मी जखीरा है जो खुतबा शख्सिया के तौर पर अभी शुरू किया था अली ने। अब आप उसके पहले जुमले सुन लीजिए तो अंदाजा हो कि अभी तो अली का आगाज बयान था, इख्तिताम और कमाल बयान क्या होता। मेरे मौला फरमाते हैं कि ये इब्न अबी कुहाफा ने जो कमीज पहनी है ये इन पर पूरी नहीं उतर रही, ये इनकी कमीज ही नहीं थी, जबरदस्ती खेच तान करके इन्होंने पहन ली। और ये तो इस्तीफा देने की बातें करते थे, जो इस्तीफा एक शुबा उठाया गया है और मुझे माफ करेंगे शुबा उठाने वाला भी बहरहाल इस नाशरी है शिया है, कहता है कि शायद बीबी ने इनसे आखिरी वक्त तक नाराजगी का इजहार रखा। आप घबरा तो नहीं रहा, कह दूं ये बात पूरी कर दूं, बीबी इनसे नाराज रही आखिरी वक्त में, आखिरी वक्त तक नाराज रही, क्या मालूम कि इन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में तौबा कर ली हो। हमें हक नहीं है कि हम किसी का यू कहें और वो कहें और उसके बारे में ये सोचे और ये सोचे, बीबी ने माफ कर दिया होगा। अमीर मोमिनीन उस वक्त ये खुतबा दे रहे, जवाब दे रहा हूं साहब को, अमीर मोमिनीन ये खुतबा शख्सिया उस वक्त दे रहे हैं जब उन दोनों हजरात की रहलत हो चुकी है। तब फरमा रहे हैं हजरत, फरमा रहे हैं कि वो तो बड़े इस्तीफे देने की बातें करते थे, मोटे मोटे आंसू बहाते थे, वो क्या हुआ कि जब दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने अपनी जगह किसी और को बिठा दिया। अगर वो अपने रोने में सच्चे थे, अगर वो मेरे हक के जाया होने पर अफसोस खाते थे तो जाते हुए ये क्या करके गए। गोया जवाब है उन लोगों के लिए कि ये गए भी ऐसे ही है जैसे जनाब सैयदा की जिंदगी में थे। बाज बातें हकायक है और बड़ा है मेहरबानी है जनाब मुफ्ती साहब की मुझ जैसे लोगों के ऊपर के, उन्होंने बहुत सारे हमारे काम आसान कर दिए, उन्होंने अपनी किताबों से अपने लोगों की इस्लाह करना शुरू की है। आइडियल सिर्फ नबी की जात है, उस्वा और रहनुमा सिर्फ नबी की जात, हमें निजामे मुस्तफवी और जाते मुस्तफवी की बात करनी चाहिए। उन्होंने क्या दिया है, ये उनका नजरिया है जिसकी रोशनी को कहते हैं कि किसको कहोगे क्या कहोगे, एक एक को बुरा कह रहा है, एक एक को काफिर कह रहा है, एक एक को वाजिब कत्ल कह रहा है, इसको माने या उसको माने, लिहाजा किसी को भी नहीं सुनो, यही हल है। उन्होंने यह हल निकाला है, किसी को भी नहीं सुनो इनमें से, सिर्फ पैगंबर को सुनो, ये उनका नजरिया है। तो अमीर मोमिनीन फरमाते खेच तान करके इन्होंने कमीज पहन ली जो इन पर पूरी नहीं उतर रही थी, और मैं देख रहा था कि सब्र करूं या हक छीनूं, तो मैंने देखा कि मेरी मिसाल ऐसी है जैसे एक सरकश ऊंटनी पर सवार सवारी सवार की, एक सरकश सवारी ऊंटनी पर सवार की कैफियत होती है कि अगर इस सरकश ऊंटनी की लगाम को खींचता हूं तो इसकी नाक फटती है, नथने फटते हैं इसे, और अगर उसे रिहा कर देता हूं तो लोग मारे जाएंगे, नुकसान होता चला जाएगा, लिहाजा मैंने वो रस्सी उसके ऊपर छोड़कर उससे उतर आया। क्या मेरी जिम्मेदारी इससे ज्यादा नहीं है, और मैं ये कैफियत से गुजर रहा था, वफिल फी हल्क शजा वफिल आयन अल-क़ज़ा, मेरी आंख में फांस थी और मेरे गले में हड्डी थी, जिस तरह आंख में अगर बाल और फांस आ जाए और तिनका आ जाए तो बेचैनी होती है और गले में हड्डी फंस जाए तो इस्तराब होता है, मेरी कैफियत ऐसी थी और मैं इसी कैफियत में रहा। और ये किस बुनियाद पर मेरा मुकाबला कर रहे थे,
جبکہ ین حدر عن السیل، یہ اسی جملہ اسی خطبے کا جملہ ہے، ین حدر عن السیل ولا یرقى علی الطیر، یہ کس بنیاد پر میرا مقابلہ کر رہے تھے؟ میں تو جب بولتا ہوں تو معرفت کے سمندر کی طرح بولتا ہوں، اور کوئی نہیں ہے جو میری پرواز کے برابر پرواز کر سکے، یہ کس بنیاد پر میرا مقابلہ کر رہے تھے؟ اب یہ ابتدائی جملے ہیں علی کے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب کھڑے ہو کر پرچم پھڑا دیا، میرے مولا نے اسے پڑھ کر کہا ہاں بھائی اور کوئی بات، موضوع بدل دیا، اتنے پاس میں مولا بات پوری کی، کہنے نہیں بات ختم ہو گئی، ایک شکشکا تھا، ایک دل کا غبار تھا جو میں نے نکال دیا، اس سے زیادہ نہیں بولوں گا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے علی بن ابی طالب کی انسان سازی، یہ اصول ہے در حقیقت کامیاب ترین۔ اب اگر امیر المومنین یہ کچھ نہ کہہ کے جاتے، کہہ کے گئے ہیں تب تو وجیحات کی جاتی ہے، کچھ نہ کہہ کے گئے ہوتے تو ہمارے لیے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین صاف صاف کہہ کے گئے ہیں، اور میں کسی مجلس میں اللہ کرے جواب دے سکوں کہ شبہ ڈالا گیا ہے کہ یہ کلام امیر المومنین کا نہیں ہے، علی کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے، الفاظ بتا رہے ہیں کہ علی ہی کے الفاظ ہیں، یہ جو لہجہ ہے یہ علی کا لہجہ ہے، کوئی اور یہ لہجہ نہیں بنا سکتا۔ میرے عزیزو، یہ نفس پر کتابت کرتے ہیں اور نفس کی تعمیر کرتے ہیں، انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ 200,000 آدمی کا مجمع ہمارے گرد جمع ہو جائے، انہیں مالک اشتر کو دیکھ دیکھ کر اطمینان ہوتا رہتا ہے، کوئی ہمارا نہ ہو مالک ہمارا ہے، ہم نے ایک آدمی بنا دیا، ہم نے ایک آدمی بنا دیا بس بہت ہے، اور یہ کارنامہ ہے حسین ابن علی کا، ایک آدمی نہیں 72 کو بنا کر دکھایا ہے۔ اور بات کے ائمہ بھی کہتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر اتنے آدمی ہوتے تو ہم بھی حسین کی طرح کرتے، امام حسین کا جو ذکر اور امام حسین کی جو یاد ہر امام معصوم نے منائی ہے، اس کا ایک سبب موٹا سا یہ ہے کہ حسین کا کارنامہ ہی کچھ اور ہے۔ یہاں گود کا بچہ بھی وہی نظریہ رکھتا ہے جو 80 سالہ بوڑھا رکھتا ہو، یہاں جوان کا بھی وہی تصور ہے جو ایک ضعیف کا تصور ہو، یہاں مرد بھی وہی سوچ رہا ہے جو عورتیں سوچ رہی ہیں، جو عورتیں سوچ رہی ہیں وہی مرد سوچ رہے ہیں، ہم فکری اور ایک آواز اور ایک پکار اور اتحاد و یگانے گت کا، اس سے پڑھ کر مثال کہیں اور نہیں، مجال ہے کسی نے کچھ منفی سوچا ہو مولا کے لیے؟ کہ جب شب عاشور جناب زینب نے امام حسین کو بلا کر کہا اے بھائی حسین، آج کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ کل کا دن تو قیامت کا دن ہے، یہ اتنا بڑا لشکر جمع ہو گیا یہ ہمیں مارے گا، یہ تمہیں شہید کرے گا، مجھے ایک بات کی گھبراہٹ ہے بھائی، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب کل جنگ شروع ہو تو یہ تمہارے صحابہ تمہارے اصحاب تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں؟ یہ جملہ کسی صحابی نے سن لیا، جا کر حبیب کو جگا دیا، حبیب اٹھو، علی کی بیٹی ہمارے حوالے سے مضطرب دکھائی دے رہی ہے، وہ سوچ رہی ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ حسین کے اصحاب کل جب مشکل پڑے گی، جب جنگ تنگ پڑ جائے گی، جب جانے جا رہی ہوں گی تو یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جناب حبیب نے ایک بڑے خیمے میں سارے اصحاب کو جمع کر دیا، اصحاب حسین ابن علی کو ایک بڑے خیمے میں جمع کر دیا، سب کو جمع کر کے کہتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ علی کی بیٹی کو اطمینان دلانا ہے، حسین کی بہن زینب کو اطمینان دلانا ہے کہ ہم ساتھ چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں، ہم تنہا چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں جی، آج 4 محرم ہے، میں اس بی بی کا تذکرہ کر کے بتاؤں کہ اس خانوادے نے کتنا جگر اور کتنے دل کا استعمال کیا ہے۔ حبیب نے کہا دیکھو ہمیں اطمینان دلانا ہے کہ ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے، سب جمع ہو گئے، حبیب کیا کریں؟ کہ حسین ابن علی کو بلائیں گے اور ان سے کہیں گے کیسے اطمینان ہوگا زینب کو؟ مولا آ گئے خیمے میں، مولا کو بلایا گیا، مولا ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، حضرت نے فرمایا تم لوگ جمع کیوں ہوئے ہو رات میں؟ کہنے ہم نے سنا ہے کہ زینب کبرا یہ کہہ رہی ہیں کہ کل ہم چھوڑ کے تو نہیں چلے جائیں گے، امام نے فرمایا ہاں زینب نے مجھ سے یہ کہا ہے۔ حبیب آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ مولا میں کیسے یقین دلاؤں کہ میں نہیں جاؤں گا،
कहा मौला मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर 70 मरतबा मेरी गर्दन काट दी जाए और फिर जिंदा किया जाए, जिहा दिया जाए फिर जिंदा किया जाए, हर मरतबा जिंदा होने पर मैं आपका साथ देने को तैयार रहूं, उस तकलीफ से गुजरने के बाद भी मैं आपके साथ रहूंगा। ज़ुहैर ख़ैर आगे बढ़े, कहने लगे मौला ये तलवार है, आप इमाम है ना, हमारे नफ्सों पर हमारे ऊपर हमसे ज्यादा हक रखते हैं, आप कह दीजिए अपने हाथ से गर्दन काट दो, हम अपने हाथ से अपनी गर्दन काटने को तैयार हैं, मगर आपको साथ आपका साथ छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। जब रोजे आशूरा जनाब अब्बास मैदान करबला में जा रहे थे तो हबीब ने बढ़कर कहा था अब्बास तुम्हें मालूम है तुम्हारे बाबा ने करबला के लिए मांगा था, तो जनाब अब्बास ने अंगड़ाई दी थी जिससे वो जंजीरें वो जो जरा थी वो टूट के नीचे गिर गई और फरमाया था अतशज्जऊनी मिस्ला हाज़ा लियो, तो मुझे आज के दिन शुजात का दर्श दे रहे हो, तुम जरा मौका तो मिलने दो, बताऊंगा कि मैं किसका बेटा हूं। हबीब मैं तो इस दिन के लिए जखीरा किया गया था, शहदाए करबला ने असहाबे इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब को यकीन दिला दिया बीबी हम छोड़कर जाने वाले नहीं है, इस बीबी का बड़ा जिगर है, इसने अपने भाई का बड़ा साथ दिया। अगर आप रोने आए तो एक जुमला कहो, इमाम हुसैन की दो बहनों ने अपने दो बेटे अजीब अंदाज से कुर्बान किए, एक ज़ौजा मुस्लिम ने कूफे में बच्चों को कुर्बान किया, एक जनाब ज़ैनब कुबरा ने करबला में दोनों बच्चों को कुर्बान किया, अजीब जिगर है इन बहनों का। रिवायत कहती है जब जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार करके शहीद कर दिया गया तो ये दोनों बच्चे जिंदान में थे, हजरत मुस्लिम के साथ मोहम्मद और इब्राहिम दोनों फर्जंद छोटे छोटे बच्चे थे। मैंने इनकी उम्रों के बारे में मुख्तलिफ बातें पढ़ी हैं, इनकी उम्रों के बारे में मुख्तलिफ सिन पढ़े हैं कि मुख्तलिफ सिनों के थे, लेकिन इतना जरूर है कि इन्हें तिफल कहा गया है और तिफल बालिग बच्चे को नहीं कहते, कम सिन बच्चे को कहा जाता है। अतफाल मुस्लिम का मतलब यह है कि कम सिन थे बालिग नहीं थे, और क्या मसलहत रही होगी कि बाप अपने बच्चों को लेके आ गए और मां ने बच्चों को बाप के हवाले कर दिया। जब जनाबे मुस्लिम अज़ादारों शहीद हो गए तो जनाबे मुस्लिम के ये दोनों बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम जिंदान में थे, कूफे के जिंदान में थे। एक दिन एक भाई ने ख्वाब देखा कि दादी जहरा ख्वाब में आई है और कह रही है मैं तुम्हें लेने आई हूं। दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर रोने लगे, जिंदान बान जो था वो आगे बढ़कर कहता है तुम्हारे रोने का सबब क्या है, अब तक उसे नहीं मालूम ये कौन है। इब्राहिम ने आगे बढ़कर कहा, मोहम्मद बड़े इब्राहिम छोटे, मोहम्मद इब्राहिम, इब्राहिम ने आगे बढ़कर कहा तुम मोहम्मद मुस्तफा के बारे में क्या अकीदा रखते हो। कहा मैं उनका कलमा पढ़ता हूं मुसलमान हूं। कहा अच्छा इतना बताओ कि मोहम्मद की बेटी फातिमा को क्या जानते हो। कहा वो मेरी मखदूमा मेरी बीबी मौज़मा मासूमा बीबी, मैं उनकी अकीदत रखता हूं। कहा अगर फातिमा जहरा तुमसे कहे मेरे बच्चों पर रहम करो तो क्या करोगे। मर्तबा घबरा कर बैठ गया कि क्या कहना चाहते हो। कहा कि हम फातिमा जहरा के पोते हैं, हम फातिमा जहरा के नवासे हैं, मुस्लिम के रिश्ते से और मां के रिश्ते से। एक मर्तबा घबरा गया, बच्चों तुमने अब तक नहीं बताया। हाथ पैरों पर गिर गया, माफिया मांगने लगा क्या चाहते हो। कहा बस हमें आजाद कर दो, किसी तरह हम यहां से निकल जाए मदीने चले जाए। अजब नहीं बच्चों ने कहा मां याद आ रही है, बहन भाई याद आ रहे हैं, दीगर खानवादा याद आ रहा है, इसलिए कि जनाबे मुस्लिम की जौजा और बेटी इमाम हुसैन के साथ हैं। भाई कहां है, भाई कहां है, बहन कहां है। इस जिंदान बान में अज़ादारों जो रोने आए जनाबे मुस्लिम के दोनों शहजादों को आजाद कर दिया, मगर ये कूफे की गलियों से आशना तो नहीं थे, ये कूफे के रस्तों से आशना तो नहीं थे, ये कूफे के रहने वाले कहां थे। छोटे छोटे से बच्चे जिनके घरों में छोटे बच्चे जरा दिलों पर हाथ रख के सुने, सारे दिन बच्चे कूफे में घूमते रहे, बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला बच्चों को। एक दरिया के किनारे नहर के किनारे एक औरत मिल गई, इतने खूबसूरत से बच्चे किसके हैं, ये चांद से चेहरे किसके हैं। डरते डरते बताया कि हम हुसैन इब्न अली के भतीजे और भांजे हैं। एहतराम किया ये अपने घर ले गई, इसका बेटा है हारिस,
इनाम रखा है उबैदुल्लाह ने कि जो भी इन दोनों बच्चों को गिरफ्तार करके लाएगा उसे इनाम मिलेगा। ये हारिस अपने गुलाम को लेकर इन दोनों बच्चों को उठाकर ऐसे चला। मैंने सहाबे रहमत में जुमला पढ़ा है कि जिस कमरे में ये दोनों बच्चे थे, जब हारिस उस कमरे में गया है तो इसने हाथ पकड़ कर नहीं उठाया, बाल पकड़ कर उठाया। मजलिस में बैठे तकल्लुफ करके नहीं रोया करें, आवाजें ऊंची किया करें, इसलिए कि जहरा को पसंद है, आईमा को पसंद है कि रिया ऊंची आवाज। इन दोनों बच्चों को अदलारो ले गया है ये दरिया के किनारे, अपने गुलाम से कहता है कि इनके सर कलम कर दो। वो हबशी गुलाम था, जैसे ही नजदीक आया मोहम्मद ने कहा तुम बिलाल हबशी से अपनी नजर रखते हो? बिलाल हबशी तो मेरे सरदार थे, मेरे बुजुर्ग हैं। बिलाल हबशी हमारे नाना रसूल के मौजूद थे। आप पैर भूल गए, तुम कौन हो? कहा मुस्लिम के शहजादे। तलवार फेंक के मैं पीछे आ गया, अपने मौला से अपने मालिक से कहने लगा, हारिस मैं इन बच्चों को जबा नहीं करूंगा। अब ये शख्स आगे बढ़ता है, दोनों शहजादों के सर कलम करता है। अजब ने अभी मरसिया भी सुन रहे थे, अजब ने पहले बड़े भाई को शहीद किया। नफ्सियात जानते हैं ना बच्चों की, जब बच्चे के सामने बड़े को मारा जा रहा हो। तो हाल मुतगय्यर हो जाता है। दोनों बच्चों ने कहा कि हमें विवाह करना चाहता है, दो रकत नमाज पढ़ने दे। अल्लाह ने तरबियत अहले बैत बच्चों की तरबियत देखी है, मरने से पहले दो रकत नमाज की तमन्ना कर रहे हैं। दोनों बच्चों ने दो रकत नमाज अदा की, उसके बाद बड़े भाई को पहले शहीद किया, दूसरे भाई को बाद में शहीद किया, दोनों के लाशों को दरिया में फेंक दिए, सरों को लेकर दरबार में आया। जैसे ही तश्त में रखे हुए सरों से रुमाल हटा, उबैदुल्लाह खड़ा हो गया, कहने लगा ये चांद से चेहरों को किसने ज़िबह किया है? जो दुश्मन की निगाह में चांद हो वो मां की निगाह में कितना अच्छा हो। हारिस को कोई इनाम नहीं मिला था ना, इसलिए कि जिंदा लाने का इसने हुक्म दिया। खसरत दुनिया वाला आखरा, मैं दुनिया है ना आखरत है ऐसे लोगों। एक मरतबा दोनों बच्चों को शहीद करके सर उबैदुल्लाह के हवाले कर दिए। अदादारों कभी गौर फरमाया आपने कि ये वाकया पेश आया है, वाकया पेश आया है 11 मुहर्रम के बाद। बच्चे कूफे में हैं और मां कूफे से गुजर रही है। अजब नहीं मुस्लिम की लटकी हुई लाश से मां ने कहा हो, ऐ मेरे वाली तुम्हारा जनाजा देख के तसल्ली हो गई कि तुम्हें मार दिया गया, मेरे बच्चों का हाल बताओ। कैसा जिगर है इन औरतों का, मौजदा आफरीनी है इन बीवियों की। और सलाम हो ज़ैनब कुबरा पर, जब बच्चों के लाशें आए ना हमने गिरिया कर लिया, जब बच्चों के लाशें आए और में दम था, सिरहाने बैठ गई, बच्चे ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर कहा अम्मा आप तो राजी हो, हमने अपनी जाने मामू पे कुर्बान कर दी। और आगे बढ़कर कहा मां जब मदीने जाओ बाबा को सलाम कहना और कहना ओनो मोहम्मद ने वफादारी कर दिखाई, ओनो मोहम्मद ने मामू पे जान कुर्बान। हमारी शिबादत को कबूल फरमा, इन रोने वालों की तौफीकात में इजाफा फरमा, इन आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमा, इन बुजुर्गों को सेहत व सलामती अता करना, हमारे इदारों को मदरसों को स्कूलों को तालीमी और फलाही इदारों को तरक्की अता करना। परवरदिगारा मनाजिमदान उलमाए किराम का साया था देर सरों पर बाकी था, इमाम ज़माना के ज़हूर का ताजील फरमा, कलमा मुबारक हज़रत हमसे राज़ी खुशनूद फरमा।